बात करेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि पूरे विश्व में अपनी वीरता के लिए, शब्दवेदी बाण के लिए और क्षत्रिय कुल गौरव के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी नगरी अजमेर में जो कि उनके ही पूर्वज अजय राजजी चौहान द्वारा बसाई गई थी, उस अजमेर नगरी की शांति, सामाजिक सौहार्द, भाईचारा कुछ लोगों को खटक रहा है। और कौन है वो लोग? वो लोग हैं जो कि जमीन बिकने के बाद अपने पैसे के दुरुपयोग से, और वो दिल्ली एनसीआर के हमारे कुछ बंधु जो जमीन बिकी हुई पैसे से यहां पर उन्होंने इतिहास को विकृतिकरण करने का प्रयास किया, और जब उसमें वो सफल नहीं हुए, अंदर बुरी तरह फेल रहे, ग्वालियर के अंदर कोर्ट के फटकार से फेल रहे, और फिर अभी लेटेस्ट 3 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के फैसले के बाद जब उन्होंने मुंह की खाई, तो वो हमारे राजस्थान के भोले भाले हमारे किया उनको भड़काकर उकसा करके वहां पर, और 24 अगस्त को बेवजह, उस दिन ना कुछ नहीं है, ना कोई सम्राट मीर भोज का राज्याभिषेक है, ना कोई उनका जन्म जयंती है, कुछ नहीं, 24 अगस्त को बाकायदा ड्रामा करके वहां पर उन्होंने क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के नाम पर अपनी जाति की गौरव यात्रा निकालना चाहते हैं। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की शोभा यात्रा में लोक देवता रामदेव जी तंवर की शोभा यात्रा हमारे राजस्थान के हमारा दलित भाई निकालते हैं, कभी बिरादरियां उसमें जाती हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। गोगाजी चौहान की यात्राएं निकलती हैं, गोगाजी चौहान की पदयात्राएं निकलती हैं, उत्सव मनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी राठौड़ की मनती है, कोई दिक्कत नहीं। हड़बूजी सांकला की मनती है, कोई दिक्कत नहीं। सभी की मनती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को जानबूझ के अपनी जाति से जोड़कर, और जाति से जोड़ के साथ साथ चैलेंज देके, चुनौती देकर के सोई हुई क्षत्रिय शक्ति को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें भी एक दो इनके गंदे से असामाजिक पेज हैं। और राजस्थान की धरती पर इस तरह की गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है कि आप गंदगी फैलाएंगे और कोई उसको स्वीकार कर लेगा, और वो भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती पर। फिर भी यदि आपने उनको उकसाई दिया है, तो हमारे लिए इसमें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दो रास्ते बचते हैं। एक तो सीधा सा है कि हम प्रशासन को चेताएं कि इस तरह की जो गंदगी है, ये जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, इस पर इनके ऊपर एक्शन ले, और किसी प्रकार की ऐसी किसी उत्सव या यात्रा की अनुमति नहीं दी जाए जिसमें दो समाजों के बीच में सौहार्द बिगड़े, जो हमने कल से शुरू कर दिया है हमारी सामाजिक संस्थाओं द्वारा और हमारे लोगों द्वारा। कल से अच्छी तरह से डीएम और वहां के एसपी साहब को मैसेज लगातार भेज दिए, और वहां के प्रशासन ने आज मुझसे फोन से संपर्क भी किया है। दूसरा रास्ता हमारे पास है माननीय न्यायालय के आदेश की, जो अवहेलना करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से अनुमति ये मांगेंगे, उसकी रोशनी में, उसके मद्देनजर रखते हम इनको बता दें। ग्वालियर में तमाम सबूत देने के बाद में वो पूरी मूर्ति के आगे टिन सेट लगा दिए गए, जो हमें भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सम्राट आखिर है तो हमारे ही पूर्वज और इस देश के ही राजा, उनको इस तरह से ढके जाना ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हमारे पक्ष द्वारा भी यही बात कही गई कि किसी भी हालात में मूर्ति को ना ढक के, मूर्ति की जो विवादित नाम पट्टिका है, उस पट्टिका में जो विवादित शब्द है उसको ढक। उसी दिन से क्षत्रिय समाज ने संयम बरता हुआ है, क्षत्रिय समाज की जो गांव-गांव में यात्राएं निकलनी थी, जो प्रदर्शन होना था, वो सब रोका हुआ है। केवल मात्र तिगड़ाना में एक धरना चल रहा है बस, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारी पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की बात थी वो हमने रोकी हुई है, क्योंकि मन ही ये बात दे दी जाए कि ये यहां माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमको यदि शांति से बैठने का कोर्ट ने कहा है, तो ये सामने वाले पक्ष पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर शांति से बैठे। आज जब प्रशासन ने मुझसे संपर्क किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब आप वो ठीक है, आपकी आपत्ति आ गई और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप यदि ये यात्रा निकली तो क्या करेंगे। तो बंधु, मैंने एक ही बात बताई उनको कि राजेंद्र सिंह नरू का नाम से कोई आदमी नहीं है, ये एक विचार है, और मैं आपसे कह दूं हम क्या करने वाले हैं या क्या नहीं करने वाले हैं, दोनों ही गलत बात होगी। आप जानते हैं क्षत्रिय समाज को, चाहे वो पद्मावत आंदोलन हो या भाई आनंद पाल जी के फेक एनकाउंटर वाला मामला हो, आपने हमारे समाज का अनुशासन भी देखा है और अनुशासन बिगड़ते हुए भी देखा है। आपको आनंद पाल जी वाला आंदोलन भी याद होगा और आपको हीरक जयंती वाला अनुशासित कार्यक्रम भी याद होगा। ये प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो शांति बनाए रखना चाहता है या फिर हमारी भी परीक्षा लेना चाहता है।
ये साफ साफ शब्दों में मैंने इतना सा उनको बताया है। और चूंकि वो उनके गुप्तचर विभाग से थे तो नेचुरल है कि वो प्रशासन को आगाह करेंगे, क्योंकि हम तो क्षत्रिय है ना, यही तो पहचान है क्षत्रिय और गैर क्षत्रिय में। क्षत्रिय कभी भी गाली गुली नहीं बकता, जरूरत पड़ने पर इलाज कर देता है। जरूरत पड़ी तो आप भी इलाज कीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं है, और करेंगे हम भी। यदि मान लीजिए इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसका इलाज होगा, पर यदि प्रशासन ही यदि इसको रोक देता है तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लिए कोर्ट ने संकेत दे रखा है, आदेश दे रखा है, डायरेक्टिव दे रखी है, डायरेक्शन दे रखा है। यदि वो उसको उल्लंघन करके जाता है तो फिर आप जितनी भी चाहें कोई संगठन है, सेना है, संघ है, या जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, उनको खुली छूट है। जैसा प्रशासन चाहे वैसा आप करना। यदि प्रशासन चाहे शांति बनाए रखने तो हम शांति में तुम्हारे साथ हैं, और यदि प्रशासन ने यह चाहा कि नहीं साहब ये तो निकलेगी निकलेगी, आप वो जैसे कैसल में हमारे भाइयों के साथ किया, तो यहां ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। यहां 300-400 हजार 1500 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अजमेर है, और अजमेर तो मारवाड़ के बीच और वैसे भी राजस्थान का हृदय स्थल है, तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है वो प्रशासन को भी पता लग जाएगा। बट मेरा अनुरोध यही है, ढंग से निपटे और सामाजिक सौहार्द बना रहे। लेकिन ये सामाजिक सौहार्द बना रहेगा या नहीं रहेगा, ये सामने वाले पक्ष और प्रशासन के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम पहल नहीं करेंगे, कहीं भी की नहीं आज तक पहल, लेकिन यदि सिर पे आ पड़ेगी तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे संयम की जो लगातार परीक्षा ली जाती है, अब एक थे वो बार बार कहते हैं कि कुछ मत करो, क्षत्रिय को वोट मत दो, राजपूत को वोट मत दो, राजपूत को वोट नहीं दो। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, तुम कहां रहते हो? राजस्थान में, हरियाणा में, और थोड़े से उत्तर प्रदेश में, थोड़े से हल्के से मध्य प्रदेश में। चल मैं ये चारों राज्य छोड़ता हूं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पूरा छोड़ा, मान लीजिए एक भी क्षत्रिय नहीं जीते यहां से, तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम उड़ीसा से जीतने वाले क्षत्रियों को रोक पाओगे क्या? तुम बिहार से जीतने वाले क्षत्रियों को रोक पाओगे क्या? तुम कर्नाटक से जीतने वाले क्षत्रियों को रोक पाओगे क्या? तुम गुजरात से जीतने वाले क्षत्रियों को रोक पाओगे क्या? तो तुम कहां कहां रोकोगे क्षत्रियों को, ये बताओ, जहां तुम हो ही नहीं। उत्तराखंड में तुम्हारा क्या लेना देना? वो बेचारा एक तुम्हारा कोई कौन चैंपियन था, कुंवर क्या था, उसको भी आप लोग तीसरे स्थान पर ले जाके काम खत्म। आपका किसी प्रकार का हिमाचल में कुछ लेना देना है ही नहीं। झारखंड में कोई एबीसीडी भी नहीं आपकी। का मतलब यह है कि यदि कोई आप ये समझ रहे हो कि क्षत्रिय उम्मीदवारों को रोक करके आप कोई ज्यादा मजा ले लोगे, वैसे तो इन उम्मीदवारों से हमारा भी कोई ज्यादा संबंध नहीं होता है, बस जाति में जन्म गए, ठीक है, ये अपने अपने राजनीतिक दलों के होते हैं। लेकिन यदि तुम इन्हें रोकने का प्रयास भी करो, वैसे तो तुम्हारी ऐसी कोई क्षमता नहीं है, कहीं भी तुम 5-7% से ज्यादा नहीं हो, तो 5-7% ज्यादा ही वोट लेके जीतता है कोई भी क्षत्रिय। एक खुशवीर सिंह जी जोधावर को छोड़ दूं तो ज्यादातर हमारे उम्मीदवार भारी मत से जीतते हैं, और ज्यादातर अपने ही राजपूत भाई से ही जीतते हैं वो चुनाव। अभी तुम कहां हो, वहां तुम्हारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा लड़ा था एक देवकरण, जो हमारी समाज की सबसे निकृष्ट व्यक्तियों में काउंट हो, उसने भी बुरी तरह से हरा दिया, 6-7 लाख वोटों से हरा दिया राजसमंद में, तो तुम क्या बराबरी करोगे, कहां करोगे? इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, इस तरह की बात ना किया करें कि हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तुम हमारे वोटों से जीतते हो, हम तुम्हारे वोटों से एक आध सीट जीत गए तो तुमने हल्ला मचा दिया। हम तो पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों में है, मान लीजिए ये 3-4 राज्य भूल भी जाएंगे तो दूसरे राज्यों से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा बताओ तो? यदि मान लीजिए टोंक सीट भी ना जीत पाए, फिर कहां से जीतोगे, कहां से लड़ोगे चुनाव? विचार तो कर लो। तो इसलिए निवेदन है कि ज्यादा इतना उछल कूद और इतना वो ना करें, शांति आप पर निर्भर करेगी, शांति से रहोगे शांति से रह लेंगे, और शांति नहीं पसंद तो भाई यहां तो वैसे भी इस समाज को तो युद्ध में ही थोड़ा सा आनंद सा खाना वाना बचता है, यदि संघर्ष की जरूरत है तो संघर्ष से ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो कभी भी ऐसा नहीं कि हमने इस दिन तो युद्ध बंद कर दिया था कि जंगल में भाग गए थे कि पशुपालन करते रहे, हमने तो कोई महल भी नहीं बनवाया कि नहीं साहब बस महल बनवा लिया इसी से काम चल गया। तो मेरा यही अनुरोध है, जय रघुनाथ जी की।